बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं दलित दलित रहे, पिछड़े लोग पिछड़े रहें, आदिवासी आदिवासी रहें, और जो जात का ढांचा है वो वैसा का वैसा रहे। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे बीजेपी के लोगों ने आग लगाई। यही लड़ाई फूले जी ने लड़ी, यही लड़ाई शिवाजी महाराज ने लड़ी। अंबेडकर जी के आइडियाज, शिवाजी महाराज के आइडियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज है। इनके नेताओं के बयान हर रोज आते थे कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले कंफ्यूजन में आरएसएस कहती है कि हां जाति जनगणना जरूरी है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी, कांग्रेस पार्टी करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। शिवाजी महाराज का अपमान किया है। माफी जो ही वही मांगता है जो गलत काम करता है। नोटबंदी की माफी मांगिए, गलत जीएसटी की माफी मांगिए, सरकारी चोरी करके बनी है, सरकारी एमएलए को पैसा बन के दे के बनी है। शिवाजी महाराज जी, शाहू महाराज जी, फूले जी, अंबेडकर जी, इन सब ने महाराष्ट्र को नहीं मगर पूरे देश को जीने का तरीका, प्रगति और इंस्पिरेशन दिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बहुत गहरी घुसी हुई है, इसलिए जब मैं यहां आता हूं मुझे खुशी होती है। यहां पे विचारधारा कांग्रेस की है, अंबेडकर जी की है, शिवाजी महाराज फूले जी की है, और इसीलिए मुझे यहां आकर उतनी ही खुशी होती है जितनी मुझे कर्नाटक में जाकर होती है, और यही मेरी फीलिंग है। और लड़ाई विचारधारा की है। जो आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं यह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। पहले पॉलिटिक्स चलती थी, राजनीति चलती थी, आज हिंदुस्तान में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा का युद्ध चल रहा है। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी और ये सब महापुरुष, और दूसरी तरफ बीजेपी। हम सोशल प्रोग्रेस चाहते हैं, हम सबको जोड़कर एक साथ आगे ले जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा मिले, दलित दलित रहे, पिछड़े लोग पिछड़े रहें, आदिवासी आदिवासी रहे, और जो जात का ढांचा है वो वैसा का वैसा रहे। ये हम दोनों के बीच में लड़ाई है, और ये आपको पूरे देश में दिखेगी। वो नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। मणिपुर देखिए, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सिविल वॉर जैसा माहौल बना हुआ है, मगर आज तक 1.5 साल हो गया, आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे बीजेपी के लोगों ने आग लगाई। और ये विचारधारा की लड़ाई भी पुरानी है। आज ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में है। इससे पहले यही लड़ाई फूले जी ने लड़ी, यही लड़ाई शिवाजी महाराज ने लड़ी। विचारधारा उनकी और हमारी मिलती है। उनकी विचारधारा में और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में कोई फर्क नहीं, चाहे वो अंबेडकर जी हों, शाहू जी महाराज हों, शिवाजी महाराज हों, फूले जी हों। अगर आप उनको पढ़ें, उनके आइडियाज को देखें समझें, तो आपको पता लगेगा कि फूले जी के आइडियाज, अंबेडकर जी के आइडियाज, शिवाजी महाराज के आइडियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज है। बीजेपी के लोग
हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आप देख लीजिए जहां भी ये अपने लोग डाल सकते हैं वहां ये अपने लोग डाल देते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस हो, लीगल सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ये मेरिट नहीं देखते हैं। आज हिंदुस्तान में इनकी आंखों में एक ही तरीका का मेरिट है, अगर आप आरएसएस के हो तो मेरिट है, अगर आरएसएस के नहीं हो तो आपके लिए इन संस्थाओं में कोई जगह नहीं। और हर रोज ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण करते रहते हैं, कोई ना कोई नया तरीका ये निकालते रहते हैं। हमने जाति जनगणना की बात की, हमने कहा कि देखिए देश में पता लगाना है कि किसकी कितनी आबादी है और किसका कितना हक बनता है और कौन सी संस्थाओं में इनके लोग हैं। एक प्रकार से हम स्नैपशॉट लेना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आज क्या हालात है। बीजेपी के लोग एकदम कहते हैं नहीं, हमने दबाव डाला, न्याय यात्रा की, और पहले ये सारे के सारे लोग कहते थे कि जाति जनगणना के हम खिलाफ हैं। आरएसएस के लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे, इनके नेताओं के बयान हर रोज आते थे कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले कंफ्यूजन में आरएसएस कहती है कि हां जाति जनगणना जरूरी है। अगर आप आज कह रहे हो कि जाति जनगणना जरूरी है तो पिछले 6 महीने में आप क्या कह रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में हमने कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर में, लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी हमारा गठबंधन करवाएगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हम देश की सच्चाई समझना चाहते हैं, इस देश के धन का फायदा किसको हो रहा है, कौन से वर्ग को हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, ये हम जानना चाहते हैं और ये हम काम करवा के दिखाएंगे। भाइयों और बहनों, आज हमने कदम जी की मूर्ति का उद्घाटन किया, 60 साल में उन्होंने आपसे कभी माफी नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी? क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, यह सच्चाई है। माफी जो ही वही मांगता है जो गलत काम करता है। यहां कुछ ही दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी। अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई, पहला कारण यह हो सकता है। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था, शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बनने में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई, शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की,
यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई, उनकी याद में आपने मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। मैं आपको गारंटी देता हूं, कदम जी की जो मूर्ति बनी है ना, आप यहां 50, 60, 70 साल बाद आ जाइए, यहां आपको दिखेगी। और शायद सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिनों में भ्रष्टाचार के कारण, गलत व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट देने के कारण वो मूर्ति गिर जाती है। शिवाजी महाराज का अपमान किया है और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को यह भी समझाना चाहिए कि आप सिर्फ दो लोगों की सरकार क्यों चलाते हो। जहां भी हम देखते हैं बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट अदानी और अंबानी जी को मिलते हैं। मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया, पार्लियामेंट में किसी का नाम लिया जा सकता है, मगर पहली बार मुझे कहा गया कि पार्लियामेंट हाउस में अपने भाषण में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता हूं। तो फिर मैंने कहा ठीक है भैया, आप चाहते हो कि मैं ना लूं, मुझे कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। अगर अंबानी अदानी नहीं चाहते हैं तो मैं कुछ और कह देता हूं। तो मैंने उनका नया नाम बनाया है A1 और A2। पूरा का पूरा काम A1 और A2 का हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए माफी किसी से नहीं मांगी। काले कानून आए, किसानों से उनका हक छीनने वाले कानून, 700 किसान शहीद हुए। हमने पार्लियामेंट में कहा कि 2 मिनट इनके लिए मौन रखा जाए, हमें कहा जाता है नहीं, ये शहीद नहीं है। 2 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान के सारे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया। जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं उनको नोटबंदी से, गलत जीएसटी से आपने खत्म कर दिया। अरबपतियों का रास्ता खोलने के लिए उनसे भी आप माफी मांगिए, नोटबंदी की माफी मांगिए, गलत जीएसटी की माफी मांगिए। और नतीजा क्या है कि आज अगर युवा रोजगार चाहता है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में कहीं भी अगर रोजगार चाहता है उसे रोजगार नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जो कंपनियां उसे रोजगार देती थी, जो छोटी कंपनी थी, मिडिल साइज कंपनी थी, वो सब बंद हो गई, खत्म हो गई। भाइयों और बहनों, अंबानी और अदानी इस देश को रोजगार नहीं दे सकते हैं। रोजगार कौन दे सकता है? रोजगार छोटे बिजनेस वाले दे सकते हैं, रोजगार मीडियम साइज बिजनेस वाले दे सकते हैं, जो छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, मिडिल साइज फैक्ट्रियां चलाते हैं, जो चीजें बनाते हैं, ये लोग दे सकते हैं। आज हिंदुस्तान में नया मॉडल है, चाइना का माल आता है, वही 10-12 अरबपति उस माल को बेचते हैं। आप मोबाइल फोन के पीछे देख लीजिए मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे देख लीजिए मेड इन बांग्लादेश,
जूते के नीचे देखिए, मेड इन वियतनाम, मेड इन महाराष्ट्र, मेड इन इंडिया आपको कहीं नहीं दिख सकता। और ये सारा का सारा माल ये अरबपति बेचते हैं। नुकसान किसका होता है? हिंदुस्तान के युवाओं का होता है, हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस हैं, मिडिल साइज बिजनेस हैं, जो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं उनका होता है। फायदा किसका होता है? नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग होती है, अदानी और अंबानी जी का फायदा होता है। और दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, उसमें 20-25 लोग हैं, और दूसरा मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने इन 20-25 लोगों का कर्जा माफ किया है। किसानों का आज तक कर्जा माफ नहीं किया है। हमने 70,000 करोड़ रुपए किया था जब हमारी सरकार थी। आप सोचो, 70,000 करोड़ रुपए से हिंदुस्तान के सारे किसानों का कर्जा माफ किया था। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए 22-25 लोगों को दिया है। यह हमारी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि एक हिंदुस्तान हो। अगर बैंक के दरवाजे अरबपतियों के लिए खुले हैं तो बैंक के दरवाजे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए खुले होने चाहिए। अगर उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो रहा है तो फिर गरीबों का भी 16 लाख करोड़ रुपए माफ होना चाहिए। और अगर गरीबों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं हो रहा है तो फिर उनका नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं और यही लड़ाई महाराष्ट्र में है। आप यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, यहां बेरोजगारी देखिए, हर एरिया में आपको भ्रष्टाचार दिखेगा। जहां भी आप देखोगे सड़क बनती है भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार से बनी है, सरकारी चोरी करके बनी है, सरकारी एमएलए को पैसा बन के दे के बनी है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार थी, इसको तोड़कर चोरी करके ले गए ये लोग। तो जहां भी आप देखोगे आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। बाहर के लोग यहां आकर आपके कॉन्ट्रैक्ट ले जाते हैं, दूसरे स्टेट के लोग यहां आकर आपसे कॉन्ट्रैक्ट छीन जाते हैं। ये हम बदलना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।